नमस्कार, इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। गुरदासपुर में जिला प्रशासन ते सरकारा नशे के खात्मे नू करन वास्ते सारे दावे उस समय खोखले साबित होए जब शरेआम गुरदासपुर में मिल रहा है चिट्टे का नशा ते पुलिस की नक हेठा ही नौजवान कर रहे हैं टीके लगा के चिट्टे का अते होर नशा। पर प्रशासन ते सरकारा सिर्फ दावे करके कुंभकर्णी नहीं सुतियां। जेकर जो कि गुरदासपुर में नशा खत्म करने लैके सारे प्रशासन दे सरकारी दावे उदों खोखले साबित होए जदों गुरदासपुर के सिटी थाने के बाहर बड़े नहरू पार्क में आम जनता के बैठने वास्ते बनाए कमरे में शरेआम नौजवान लगाते हैं नशे के टीके करते हैं जम के नशा। जिथे शहर के समाज सेवी नौजवानों खेडा वड्डियां मंजलां तक पहुँचाने वाले शख्स ने भी प्रशासन ते सरकार दी नलायकी उपर तंज कसे हन अते कहा पंजाब सरकार अते जिला प्रशासन जो नशे दे खात्मे लई दावे कर रहा है पर जद असी अजिहियां तस्वीरां देखते हाँ कि गुरदासपुर विच नौजवान शरेआम चिट्टे का नशा कर रहे हन तां मन दुखी हुंदा है। पर पुलिस प्रशासन अते सरकारां केवल कुंभकर्णी नहीं सुतियां हन। देखो ग्राउंड लैवल तो साडे खास रिपोर्ट। नमस्कार जी, तुसी देख रहे हो इस वक्त मैं गुरदासपुर दे विच खड़ा हाँ जिथे बिल्कुल गुरदासपुर सिटी थाने दे बाहर मैं खड़ा हाँ। मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि एक पासे प्रशासन अते सरकार दुहाई दिंदी आ कि असी नशे नूं बिल्कुल खत्म कर दिता, पर यह तस्वीर मैं दिखावांगा कि कीवें बिल्कुल सिटी थाने दे सामने बिल्कुल शरेआम जिहड़ा आ नशा इत्थे जिहड़ा लोक जिहड़े आ पींदे नज़र आंदे आ। जिथे सरिंजां पईआं और नशे दीआं बोतलां जिहड़ीआं आ इत्थे पईआं हैगीआं सामने मैं तुहानूं दिखाउणा चाहुंदा आ। इह सामने इधर एक नशे दीआं बोतलां और टीके और चिट्टा नशा जिहड़ा आ शरेआम विकदा नज़र आ रिहा साडे नाल। ओह लोक शख्स खड़े आ जो नौजवानां दी जिंदगी बनांदे आ, जिन्हां ने हुण तक कई प्लेयर बना चुके आ, जिन्हां ने हुण तक कईआं नूं नैशनल पद्धर तक खिलाया आ, जुडो के राष्ट्रीय कोच खड़े आ उन्होंने गल करा कि शास्त्री जी तुसी सामने देख रहे हो सामने सिटी थाना है की कहना चाहोगे? मैं सिर्फ आही दसना चाहना कि आ दो तरह के नशे ने, तीजी सरिंजा पईआं ने, ते एक कहण नूं बदलाव की गल हैगी पर हालात उही ने जिहड़े अज तो पहला भी सी। ते कोई गल नहीं, सिर्फ नशा खत्म करन दे नां ते सरकारां वोटां लै लैंदियां ने, मुड़ के उही कुछ चलदा है जिहड़ा पहला चलदा सी। अज जिहड़ी इह इत्थे असीं दस रहे हां कि जिहड़ा इह सुक्का कला है जिहदे लई असीं बहुत वड्डी स्ट्रगल लड़ी सी कि लोकां दे लई बैठण वास्ते आवाजाई लई बनना चाहीदा, पर इह उत्थे ही जिहड़ा जिहड़ा हैगा उद्दे ही रह रिहा, ना ही इह तलाअ दी जिहड़ी इस जगह की कोई किसी प्रकार की भी कोई की है, पर उल्टा यह होया कि आ सीमेंट के थले पे ने नशे लिए केंद्र तो बन गया। जिदा यदी जी स्टेज सी उस स्टेज भी उत्थी खड़ी है, ये की कारण है कि सरकार चेंज हो गई जां जिहड़ा बजट आया सी उह बजट जिहड़ा कित्थे गया? ते नाल ही जिहड़ी असीं इक गल इह कहिंदे आ जिवें कहिंदे वी थाणा नेड़े है, थाणा की थाणे दे विच जी जा के देख लो उत्थे वी नशा जिहड़ा लोकां नूं जिहड़ा सप्लाई हुंदा है, इह इक इन्हां दा इक तरीका है कि किस ढंग दे नाल क्यों। तुसीं नौजवान तैयार करदे हो, तुसीं प्लेयर तैयार करन दे विच उमरां ला दिंदे हो, किन्ने प्लेयर तैयार करन वास्ते किन्नी उमर मतलब लगदी आ? ते जदों इहो जी चीज़ सामने दिखदी है ते की मन ते बीतदा है? बड़ा उम्मीदा है क्योंकि इक डायवर्शन है, असीं कहिंदे कि भारत दा जिहड़ा नौजवान है वह तंदुरुस्त हो भी पंजाब का नौ तंदुरुस्त भी पंजाब का जिहड़ा जिहड़ा एक तरीका सी पंजाब का कि पंजाब जिहड़ा खेडां दे विच बहुत अगे सी, पंजाब जिहड़ा एक तलवार मनिया जांदा सी हिंदुस्तान की खड़ग इहनू दा नां दित्ता जांदा सी, पर अज पंजाब दी जिहड़ी हालात है जवानी नूं जिहड़ा किराए पाउण वास्ते वह हर तरह का जिहड़ा सहयोग जिहड़ा दुरुपयोग है वह किया जा रहा। मैं प्रशासन नूं चाहे वह डिप्टी कमिश्नर चाहे SSP साहब ने वह सारयां नूं मैं अपील करनी चाहूँगा माध्यम के नाल कि ये जिहड़े इदां दे जिहड़े थां ने लुकमे थां उन्हां ते निगरानी की जाए, तो ये जिहड़ा इस पार्क है जिहड़ा मैं म्युनिसिपल कमेटी नूं भी कहांगा कि इहदी सफाई कराई जाए तां जो आम लोग जिहड़े इत्थे बैठण इत्थे अपने जिहड़े लोकां दे इक दिनचर्या जिहड़ी जिहड़ा किस समय जाणिया जांदा सी कि इत्थे ब्याह शादियां लोग करदे हुंदे सी, लोग अपने छुट्टियों मोटे ठाके करदे सी, पर अज की होया कि नशेड़ियां दा अड्डा बन गया। पर सर जिद्दां तुसीं सोच कीता जिहड़ा सरकार दावे करदी आ कि असीं नशे खत्म कर रहे हैं, प्रशासन रोज कर रहा कि नशे खत्म कर रहे हैं, जिदा सरिंज सामने पई आ
ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਮੈਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਈ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਡੋ ਦੇ ਕੋਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਤਲਾਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਔਰ ਝੂਠ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰੋ ਦੀਪਕ ਸੈਣੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਿੰਜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਨਸਾਫ ਟੀਵੀ ਪਰਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਨਸਾਫ ਟੀਵੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ, ਧੰਨਵਾਦ।